आई जस्ट कांट से कि कितना डिप्रेशन हुआ था या कितना ट्रॉमा हुआ था, और वो ट्रॉमा आई डोंट थिंक कि कभी जाएगा. सो नाउ व्हेन आई गो आउट एनीवेयर आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट दैट आई एम फ्रॉम जामिया एंड आई लिव इन अ मुस्लिम कम्युनिटी एंड आई ट्राई टू नॉट टेल पीपल. Are present the everyday experiences that we are having living here as Muslims or as people who are not pro government, and everyday experiences that we are having with real people, people who are our colleagues, people who are our neighbors and friends. I think that is the wound, and I think that is something that needs to be talked about, something that needs to be fixed. It is not something I would like to ignore. It's not something I would like to not talk about. It is something that is urgent, that needs to be healed, because we are living with it every day collectively. The children are getting affected. Everyone is getting affected. Feelings of turmoil left unspoken for the students in Jamia who were part of the anti-CAA and NRC protest and who experienced police brutality on December 13th night on their campus. Trauma starts tumbling out. उस मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि लाइक व्हाट्स आवर क्राइम, व्हाई स्टेट इज इन्फ्लिक्टिंग दिस अपॉन अस, व्हाट हैव वी डन. ये मतलब इतना ह्यूमिलिएशन ये हमारे रेजिडेंशियल एरियाज में, हमारे कैंपस में ऐसा क्यों हो रहा है. तो उसके बाद से ना एक वो होता है ना आइडेंटिटी क्राइसिस. वो जो रात थी ना, आई लिटरली कैन नॉट डिस्क्राइब कि वो रात कैसी थी. लाइक वी वर सर्टेन कि कुछ इस रात में कुछ बुरा हो गया एंड वी विल नेवर सी द मॉर्निंग, वी विल नेवर सी द सन अगेन. सो आई थिंक आई वॉज फीलिंग हेल्पलेस बिकॉज फोन में नेटवर्क वहाँ के काट दिए गए थे, लाइट्स काट दी गई थी, लाइट्स स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई थी, हाँ, और पूरे बटला हाउस के एरिया की, और फ़ोन में नेटवर्क्स नहीं थे. तो और जो रेजिडेंशियल एरियाज थे उसमें लाइक पुलिस आ रही थी एंड पूरा स्टन ग्रेनेड्स की आवाज़ें एंड वो चीज़ें बहुत नई थी हम लोगों के लिए, हम लोगों ने कभी डायरेक्टली फेस नहीं करी थी. It was horrible. We were getting so many messages in all groups, you know, help calls from people who were stuck in different places inside the campus. There were people who were bleeding, who had got hurt. They needed help, and there was nothing you could do about it. And whatever is going on, the police is beating up people. There's people stuck inside buildings and washrooms, libraries. You cannot do anything about it, and this is something that you have never seen before. We had never seen anything of this sort before. We had never experienced anything of this sort. It was a nightmare. Yeah, and maybe now we can talk about it and process what had happened. But that night, when we were there, we did not know what to do. There was nothing we could do. And अब क्या ही कर सकते हैं, एक इंसान की आँख में गोली लगा डाल दी और हड्डियाँ तोड़ दी. आसिफ है जो इज अ फ्रेंड, उसको इज इन जेल राइट ना, उसको उसकी हड्डियाँ टूट गई थी. एक फ्रेंड ने बताया कि उसको पुलिस ने उसकी ही शॉल से गला घोटा और दूसरे पुलिस वाले ने कहा कि मर गया है, छोड़ो चलो ठीक है. तो ही लिट दीज वर हिज वर्ड्स कि दे डिडंट
come to disperse us. They came to kill us. मेरे साथ तो जो 15 दिसंबर के जो बाद में जब लाइब्रेरी के अंदर था, जो संडे को लाइब्रेरी बंद होती है, तो मैं भाग के उसी लाइब्रेरी में गया क्योंकि पुलिस ने उस गेट को तोड़ दिया था। मैं पेड़ के नीचे छिपा हुआ था अपने दोस्त के साथ। मैं भाग के अंदर गया और पूरा 1.5 घंटे तक वो नीचे बेंच के पुलिस की लाठियां और पुलिस का पूरा बूट जा रहा होता और हम अपने दोस्त साथ नीचे सोए हुए हैं, तो वो सब मेरी नजरों के सामने बहुत दिन तक रहा। और खासकर अभी खासकर जब बरसी बनाई जा रही थी 13 से 15 तारीख तक, तो मेरे आंखों के सामने सपने में आया करते थे। मुझे 15 तारीख आज भी याद है कि 15 तारीख को मैं रात भर जगा रहा NFC थाने पे, बच्चे डिटेन थे, फिर नेहरू प्लेस थाने पर लोग वहाँ डिटेन थे। उसके बाद वहाँ से लौट कर अपोलो आया, वहाँ कई लोग जख्मी हालत में मौजूद थे। 15 की रात ऐसे ही बीत गई। 16 की सुबह में मैं जब कैंपस पहुँचा तो मैं अपनी आंखों के सामने देखा गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियाँ निकल रही है, बॉयज हॉस्टल से लड़के निकल रहे हैं, लोग कैंपस छोड़ कर जा रहे हैं, बहुत डर का माहौल है। I don't know, it was this wave that came during the CNRC protest, and I think it made people shameless about being communal, and people were just saying anything that they felt like to their Muslim friends or their friends who were part of the CNRC protest. So yeah, it was a very difficult time and things have not really changed since then. I just कांच से कि कितना डिप्रेशन हुआ था या कितना ट्रॉमा हुआ था, और वो ट्रॉमा आई डोंट थिंक के कभी जाएगा, कभी नहीं जाएगा वो ट्रॉमा। एंड इट्स लाइक के पता है, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं जामिया के जिन्होंने डायरेक्टली फेस किया वो सब, आई फील के हम लोगों को भी ना हक है कि हम नॉर्मल लाइफ जिए। कि नॉर्मल लाइफ कैसी, आई एम नॉट सेइंग के एक्टिविज्म इज़ अ बैड थिंग, बट आई एम सेइंग के हमें हमें क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हमें भी नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। हमें मतलब हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट, हमारी गवर्नमेंट ऐसी क्यों है कि हमें उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हम भी पार्टीज़ में जाके खुश हो सकते हैं, हम लोग कभी इंजॉय भी कर रहे होते हैं ना, तो हमारे डिस्कशंस बहुत डिफरेंट होते हैं उन दूसरे प्रिविलेज लोगों से। एंड वो जो हमारा ट्रॉमा होता है वो हमेशा हमारे अराउंड होता है, हमें हमेशा इन द बैक ऑफ आवर हेड होता है, वी कैन नॉट बी हैप्पी। पहले मैं मेंटल हेल्थ को बहुत मजाक मानता था, ये सच्चाई रास्ते अगर हमसे कोई एक सवाल पहले पूछता मेंटल हेल्थ क्या होता है तो मैं बोलता कुछ नहीं होता, लोग ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले एक साल में मैंने सीखा कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। मैं बहुत अपने करीबी दोस्तों को जेल जाते हुए देखा और काफ़ी लोगों को मैंने बहुत परेशान देखा, और इस पूरे एक साल के अंदर मैंने जो ट्रॉमा होली फैमिली हॉस्पिटल और अल्शिफा अस्पताल और अपोलो के अंदर देखा है, उसके बाद मैं ये बोलना बेमानी होगा कि मेंटल हेल्थ बिल्कुल बिगड़ा नहीं था, बिल्कुल बिगड़ा था। और इसके बाद मैंने काउंसलिंग भी करवाई थी कई लोगों से। यस, इट हैज़ अफेक्टेड मी इन अ बैड वे, एंड व्हेनेवर आई सी न्यू स्टोरीज दैट आर रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट और स्टोरीज दैट आर रिलेटेड टू एट्रोसिटीज ऑन मुस्लिम्स और एनी माइनॉरिटी, इट डज ट्रिगर मी इन अ वे। So I like to not read about, you know, certain things at times, but just knowing it is uncomfortable for me. It's not like something that happened 1 year ago. I think it's a mind space that we are still into. So I think it's different when other people are talking about it, and it's different when we are talking about it, we who were there on the ground. So for us, it doesn't seem like something of the past, because for us, things have been going on. Even when the protests were not happening on the ground, when COVID was going on, a lot of things were going on. The police were harassing students. They had been intimidating a lot of local people. So for us, it's not something that has, you know, faded away. We are still in that mind space, and it is still kind of affecting what we are doing, what kind of stuff we are thinking about or talking about.